चावल का आटा, किशमिश, ग्रेटेड फ्रेश नारियल, बादाम जिसे हमने कूट लिया है, गुड़ जिसे हमने बारीक बारीक क्रश कर लिया है, कुछ टुकड़ों में भी ले लिया है, घी, खसखस, इलायची पाउडर। अब बनाने जा रहे हैं हम उकड़ी के मोदक। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिशनल उकड़ी के मोदक की रेसिपी। इसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे, फिर हम डालेंगे चावल, सेम रेशो में हमने जितना मेजरमेंट लिया है चावल का उसी से डबल हम पानी डालेंगे। और साथ ही चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है। इसे अच्छे तरीके से हम चला लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये सारे प्रोसेस को 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। ये देखिए चावल का आटा है वो अच्छे तरीके से थिक हो गया है। जो आटा हमारा है वो थिक हो चुका है, ये देखिए 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे गैस फ्लेम धीरे करके। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने दूंगी, फिर इसे नीड करेंगे हम। मैं इसे इसे पूरी तरह से मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे नीड करूंगी एक डो की तरह। जब तक हमारा आटा ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसमें घी डाल लेती हूँ 2 चम्मच फिर से। इसमें मैं फ्रेश कोकोनट डालूंगी, कोकोनट का जितना रेशो हमने लिया है उतना ही सेम क्वांटिटी में गुड़ लेंगे हम। और इसे हल्का सा भूंज लेंगे, तो अब डाल लेते हैं गुड़। तो देखिए गुड़ हमारा अच्छे तरीके से पिघल चुका है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कूटे हुए बादाम, किशमिश, इलायची और खसखस को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करके डालेंगे हम। फिलिंग तैयार है। कहीं कहीं अगर गुड़ बच जाता है तो उसे अच्छे तरीके से फोड़ लें हम और एक जैसा कर लें। ये जो फिलिंग है बहुत काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी बनती है। हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई, बस हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे हम। चावल का आटा लिया था, अब इसे नीड करेंगे। उससे पहले मैं हाथों पे घी लगा लेती हूँ, उसके बाद इसे चिकना करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ठंडा होने के बाद करेंगे।
आटा हमारा अच्छे तरीके से चिकना हो चुका है। वो जो उसका सारंग बनाया था, फिलिंग बनाई थी, उसके हमने गोले बना लिए हैं इस तरीके से छोटे छोटे। और अब ले लेते हैं इसके छोटे छोटे बॉल, हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और ये हमने मोदक का सांचा लिया है जो कि मार्केट में अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाता है। इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे हम और इसे बंद करके इसमें ये जो चावल का आटा है इसे डाल लेंगे। और बीच में गोला सा बनाएंगे पतला पतला इस तरीके से। ये जो बॉल बनाई है उसको हल्का सा लंबा करेंगे जिससे कि जो फिलिंग बनाई है ये पूरी अच्छे तरीके से अंदर चली जाए। अब हल्का सा हम ये पराठा लेंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। देखिए इसे इस तरीके से निकालना है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितना अच्छा है शेप इसका। आप इसे बिना मोल के भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको पेड़ा लेना है, सब चपटा करना है और इसके अंदर आपको एक गोला सा बनाना है इस तरीके से। और इसमें बनना है आपको एक लड्डू और इसको इस तरीके से चुन बना लेनी है। एक स्टार की तरह और उसको ऊपर की तरह आपको लेके आनी है उन चुन्नटों को इस तरीके से। और फिर भी शेप अगर अच्छा नहीं आया है तो आप एक नाइफ ले लिए इससे आपको शेप दे सकते हो या टूथ पिक ले सकते हो आप। इस तरीके से देखिए हमने पतीली में पहले से ही पानी रख दिया था उबलने के लिए। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है और ये चलनी लिए, चलनी हमने घी से ग्रीस कर ली है। और ये हमने मोदक लिए हैं, अब इसमें एक एक करके हम मोदक रख देंगे स्टीम होने के लिए और इसे कवर कर देंगे बिल्कुल। एक टॉवल लिए है उस पर मैं ये रख रही हूँ इसमें अच्छी तरीके से, क्योंकि जो स्टीम उससे होगी तो जो पानी निकलेगा वो पानी इस पर नहीं गिरेगा। ये देखिए अच्छी तरीके से कवर कर दिया मैंने इसे और 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। मोदक जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसे आप इंजॉय कर सकते हैं गणपति को भोग लगाकर। आप देख सकते हो कितने ट्रांसपेरेंटी और को काफ़ी अच्छा हमारे मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसे केसर के धागे से गार्निशिंग कर देती हूँ और कुछ केसर के धागे मैंने दूध में मिला के रखे थे जिसे मैं ऊपर से डाल रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे उकड़ीचे मोदक सिंपल तरीके से तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं। चावल के मोदक बनाते समय आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टीम करते वक्त, और जो मेजरमेंट ले रहे हैं आप बिल्कुल सही लें तो आपके भी उकड़ी के मोदक काफ़ी अच्छे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो गणपति बप्पा का भोग लगाइए और प्रसाद में इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।